मेरा नाम यूसुफ सलीम है। बाय एजुकेशन मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर डिग्री होल्डर और बाय प्रोफेशन मैं बिजनेसमैन हूँ। मेरा इंटेंडिंग हाउस है, पिछले 5-6 साल से मैं इम्पोर्ट्स के बिजनेस में हूँ। और मैं ईमान तनवीर और बाय एजुकेशन आई एम मास्टर्स इन लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज टीचिंग and I'm also running a blog on women fitness enthusiast and women empowerment aur main married hu and I'm a mom. Meri iske through thi, he took me there aur main maths padhne gayi thi sir Qasim se, basically kyunki main sir Qasim ka अगर बैच का अंदाजा लगाया जाए तो मतलब टू बैच, सेकंड बैच हमारा था तो सिर्फ 2 से 3 लोग थे हम जो सर के पास पढ़ते थे। तो वहां से सर के साथ ऐसा ताल्लुक बना कि हम सर के कलेक्टिवली भी कोई स्टूडेंट्स को मिला के भी लेके आते थे कि आज ये सर से पढ़े। तो शी वॉज एल्डर देन मी, तो ये बीए कर तब करने का प्लान करनी थी। तो मैंने कहा कि सर कासिम से अच्छी ऑप्शन कोई नहीं है। तो जब मैंने इनसे मीटिंग कराई थी आगे ये भी खुद बताती थी कि मेरी मीटिंग इट गोज वेरी वेल। सर कासिम ने मुझे काफी मोटिवेट किया। पहले तो उन्होंने मेरा मैथ्स देखा, नहीं इट वॉज गुड, फिर उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया विद इन 3 मंथ्स। काफी हार्डवर्क मेरा भी था बट ही पुट सो मच एफर्ट एंड ही पुट सो मच ट्रस्ट इन मी कि विद इन 3 मंथ्स आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। क्योंकि इसलिए मैंने बहुत सुना था कि इंग्लिश बहुत टफ है बट दैट वॉज इंट अ प्रॉब्लम फॉर मी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, यस यू कैन डू इट सो यू हैव टू बी वेरी काम। तो उनका ये इन्फ्लुएंस रहा है मेरी लाइफ में एंड आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम। मैं यही कहना चाहूंगी कि सर कासिम टीचर ही थे, लाइक मुझे उनके साथ कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं थे। मुझे उनके साथ ये नहीं लगता था कि ये मेल है या फीमेल है, बिकॉज ही पुट हिज ट्रस्ट इन देयर हिज स्टूडेंट्स और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स उनके पास आते थे। जब आपके जो टीचर है वो अपना ट्रस्ट आपके अंदर पुट करना शुरू करते हैं, ही इज मोटिवेटिंग यू मोर। और सर कासिम जो है वो इसी तरह के थे और मुझे उनसे कभी कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं आए। ट्रस्ट इश्यूज आज भी है, ट्रस्ट इश्यूज पहले भी थे। सो दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन हाउ सीरियसली यू आर टेकिंग योर प्रोफेशन एंड सर कासिम अली was very very serious about his profession ki unhone apne students padhana, unhone he is a teacher actually. to mujhe kabhi is tarah ka koi trust issue ya is tarah ka koi trust issues mera khayal hai wahan pe aate hain jahan gap kafi zyada ho teachers ka student ki communications mein. jaise maine aapko bataya ki meri qualification hai language teaching, तो उसके अंदर एक होती है टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन और एक होती है पेरेंट्स के साथ टीचर की इंटरेक्शन। डैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस होना टीचर को भी और पेरेंट्स को भी बहुत जरूरी है। इफ दे डोंट इंटरैक्ट स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है, और अगर जहां पे टीचर की और पेरेंट की इंटरेक्शन हो जाती है तो स्टूडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं कि वो कहीं डंडा करे या कोई डंडी मारे, और वो कॉन्फिडेंस में लेना पेरेंट्स को और पेरेंट्स का फिर अपने टीचर स्टूडेंट को अपने बच्चों को कहना कि नहीं यू हैव टू ट्रस्ट हिम और तुम्हें को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेक्शन इज द बेसिक की ऑफ एनी टीचिंग। आप कोई टीचिंग बगैर इंटरेक्शन के नहीं कर सकते। एडिंग टू दिस के जाहिर बात है पेरेंट्स ने पे भी करना होता है तो उनको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि वो सही जगह पे आपके पैसे लगा रहे हैं। तो जब ये आपके टीचर्स और पेरेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो अब मोस्टली तब अकेडमीज में इतना नहीं था। आपने सर के हैंडआउट्स की बात की है, सर के हैंडआउट्स तो मैजिकल थे ना, मतलब उर्दू की इतनी हमें वोकैबुलरी नहीं थी लेकिन सर के हैंडआउट्स याद करके जो हमने पहला पैराग्राफ ही लिखना होता था उससे हमें पता लग जाता था, इम्प्रेशन पड़ जाता था यार ये बाकी कुछ पढ़ के आए हम कहीं से पढ़ के आए।
सर से तो जब भी बैठ के सीखा है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीख के उठे हैं, सिर्फ ये नहीं कि मैथ सीखने बैठे तो फिर मैथ से ही उठ गए। तो मैथ के अलावा कभी इंग्लिश सीखने बैठे तो इंग्लिश की भी एक बड़ी हमने लिटरेचर की चीज सीख के उठ जाना वहां से। और सर ने इवन की फिल्में भी अगर हमें बतानी है ना कि मूवीज देखनी है तो कौन सी देखनी है ये भी हमें बताया था, यार ये मूवीज देखना तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगी। और बुक्स क्योंकि वो हजरत वासिफ अली वासिफ से बड़ा उनका ताल्लुक रहा है तो वो हमें काफी प्रेशराइज करते थे, यार हजरत वासिफ अली वासिफ तो ये पढ़ो, उनके इवन के स्टिकर्स थे मुझे याद है वो स्टिकर्स भी हमें देते थे कि ये अपनी ना बुक्स पे लगा दो। आई स्टार्ट रीडिंग वासिफ अली वासिफ क्योंकि सर को बहुत पसंद थे, मुझे उन्होंने कहा था ये पढ़ो इट्स अ वेरी गुड थिंग, वो हमने स्टार्ट किया था पढ़ना। सो इट्स अ प्लस पॉइंट दैट यू ऐड समथिंग टू योर स्टूडेंट्स लाइफ और वो हमारी लाइफ में है। देखिए जी सबसे पहली बात तो है कि आप किसी को कोई चीज बताना चाह रहे हैं ना तो आप उसको पहले बताएं कि इसको पाने का, इसको पढ़ने का, यहां तक पहुंचने का मकसद क्या, क्यों का सवाल जो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना वो सर ब्रीफ कर देते हैं आपको कि आपको स्टूडेंट को पता हो कि यार ये अगर मैं बुक इसको रेफर कर रहा हूं तो मैं क्यों रेफर कर रहा हूं, यार इसमें से तुम्हें क्या मिलेगा। ना कि हमारा जो पहला सिस्टम था वो जाहिर बात है बुक को रट्टा लगाना है, रट्टे से हर स्टूडेंट की जान जाती है कि जो ये किताब याद करके आनी है ना इससे जान जाती है। अगर आप उसे कहेंगे ना इससे नॉलेज लेके आना है, याद नहीं करना बस सीख के और इसमें है क्या, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। और एक हम लोग ऐसे सिस्टम में रहते हैं जिसमें ग्रेड्स की बहुत दौड़ है, अगर आप 80-90% नहीं लेके आते देन यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। आप ये नहीं देखते कि उस बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उस बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, वो सोचता क्या है, वो समझता क्या है, आप नहीं समझते। आपको चाहिए एंड इवन द पेरेंट्स उनको भी यही चाहिए, 80% मार्क्स चाहिए, 90% इंटेलेक्चुअलिटी पे हमारे यहाँ काम होता ही नहीं है। वो बुक्स हैं इवन इन स्कूल्स, आपने कोर्स खत्म करवाने कहाँ पे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स दे आर देयर नो वे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिखी होती है बट होती नहीं है। तो इस तरह के ये एक्स्ट्रा करिकुलर लाने के लिए यू हैव टू वर्क रियली हार्ड एंड सर इज डूइंग माशाल्लाह दैट इज वेरी। अभी तक भी ऐसे ही है स्कूलों में, ऐसे ही है कि आपको बताया नहीं जाता स्टूडेंट्स को ये क्यों पढ़ रहे हैं, बस हमें यही बताया जा रहा है पढ़ के पास करने और ग्रेड ले लेने बस। मैं समझता हूँ आपकी लाइफ में ना एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी, किसी भी आप सक्सेसफुल इंसान को लेंगे ना उसका एक मेंटोर पीछे लाजमी होगा, मेंटोर के बगैर कोई इंसान बनता नहीं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के अलावा हमें कहीं ना कहीं उनकी ग्रूमिंग के लिए उनकी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी कि उनके अंदर जो बिल्ट इन स्किल्स हैं वो कौन सी, वो मेंटोर आपका पॉलिश करके आपको बाहर लाता है जो आपके साथ सही सिंसियर हो। हमारे यहाँ मसले ये रहा है जैसे हमारे चाइल्डहुड या हमारे टीनेज का मसला ये था कि मैट्रिक कर लें जी वो उसके पास सीधा आएगा, हम मैट्रिक कर लेते थे उसके बाद हमें नहीं पता लगता था हमने ICS करना है, हमने मेडिकल करना है, हमने इंजीनियरिंग करनी है, ना कोई हमें बताने वाला है। वो स्टूडेंट्स खुद सिलेक्ट करते थे फिर बाद में पता लगता था अब क्या करें जी अब तो फिर इस इंडस्ट्री पर डाउनफॉल आ गया अब हम कहाँ जाए, फिर हमें पता नहीं लगता था हमने BCom करना है, हमने बिजनेस करना है कि हमने किसी फाइन आर्ट्स में जाना है। तो इस तरह के जो धक्के हैं ना वो पड़ते हैं मेंटोर ना होने की वजह से। जब आपके पास एक मेंटोर नहीं है, आपको बताने वाला इंसान नहीं है, राह दिखाने वाला इंसान नहीं है, हमारा तो इस्लाम ही हमें कहता है कि हमें सीधे रास्ते पे जाना उन लोगों के रास्ते पे जिस पे तुमने नाम रखा, तो हमने उन लोगों का रास्ता दिखाने वाला जो है वो मिलेगा तो हम उस रास्ते पे जाएंगे। जो काविशे सर कर रहे हैं, जिस तरह की फाउंडेशन बना रहे हैं, सर के यहाँ से स्टूडेंट भी तो निकलेंगे जो आगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे और वो भी आगे से और लोगों को मोटिवेट करेंगे, इस तरह महल ही शजर की तरह फैलता चला जाएगा। सर काफी के स्टेप इस बोर्ड अगर मैं इसको एक एज ए सोशल सोसाइटी एस्पेक्ट से देखती हूँ इट्स अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि सर कासिम अकेले अपनी मूव करके सर कासिम को पूरी सोसाइटी को एक किस्म का हिलाना पड़ रहा है कि वेक अप दिस इज गोइंग ऑन, तो वो काम कर रहे हैं और इट्स अ बोल्ड स्टेप और वो अकेले नहीं कर सकते, उनको बहुत ज्यादा लोगों की मॉरल सपोर्ट की जरूरत होगी, बट ही इज मॉरली वेरी स्ट्रांग एंड आई कैन बिलीव कि वो ये कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं और वो ये स्टेप ले रहे हैं और वो स्टूडेंट्स को इस तरफ या बच्चों को इस तरफ लेके आना चाह रहे हैं तो दैट ही इज पॉलिशिंग देम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जो हम लोग लेटर ऑन जाके मास्टर्स करने के बाद सोचते हैं अच्छा हमने ये भी किया होता तो ये भी हो जाता,
آج کل کے دور کے مطابق جہاں پہ آپ کو انفارمیشن کی ایکسیس بہت ایزیلی ہے, وہاں پہ ایک ایسے مینٹور کا ہونا بہت ضروری ہے جو آپ کو یہ بھی بتا سکے کہ آپ نے کس چیز کی انفارمیشن لینی ہے. ہم صرف اسٹوڈینٹس کی بات کرتے ہیں, آر ٹیچرز نیڈ اے مینٹور جو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ کیا کرنا. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے دیکھا ورک ایز اے لیکچرر فار آلموسٹ 4-5 ایئرس, اور میں نے دیکھا کہ ٹیچرز آ رہے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے بکس کھولی بھی ہے. اچھا, ایون اگر وہ کہنے ہم نے پاور پوائنٹ پہ پڑھانا ہے, وہ پاور پوائنٹ پہ بھی پڑھا رہے ہیں تو اسٹوڈینٹس وہ والے پوائنٹ ڈھونڈ رہے ہیں جو ہاں ٹھیک ہے. آئی تھنک ٹیچرس کو بھی ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے, اینڈ سر قاسم علی شاہ ہیز دیٹ تھنگ ان ہم. اور وہ ٹیچرس, میں کہتی ہوں وہ اسٹوڈینٹ سے پہلے نا وہ ٹیچرس کو پکڑ کے بٹھائیں کہ وٹ آر یو ڈوئنگ, اور آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے تھا اور آپ لوگ یہ کر رہے ہیں, اور آپ بچوں کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ یونیورسٹی لیولس میں ٹیچنگ از پیتھیٹک, بہت کم ٹیچرز ہیں. میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے جب میں اپنی یونیورسٹی میں گیا ہیو 2-3 ٹیچرس جو بہت اچھے تھے, لیکن اس کے بعد جب میں نے خود اس فیلڈ میں آئی اور میں نے دیکھا کہ وٹ آر ٹیچرز ڈوئنگ, میں ان کو کہتی ہوں کہ پہلے تو ٹیچرس کی مینٹورنگ کرو نا, اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو پکڑنا. اگر آپ کی وہ بیسک اسٹرکچر ہی نہیں ٹھیک چل رہا ہے تو ہاؤ کین یو بلیم اونلی اے اسٹوڈنٹ دیٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ دا رائٹ, اور آپ اپنے پیرنٹس کو کہیں کہ جی یہ بھی ٹھیک نہیں کر رہا, تو وہ ٹیچر کا کہاں چلا گیا؟ مطلب وہ پیسے لے کے گھر چلا گیا, ہاں ٹھیک ہے اب تم جانو, تمہارا بچہ جانا ہے, ہمارا کام ختم, اینڈ دیٹس اٹ. ایسے نہیں ہوتا. تو ٹیچر کی مینٹورنگ از ویری امپورٹینٹ. باہر کے ملکوں میں دے ہیو مینٹرز, ٹیچرز ہیو مینٹرز. وہ اپنے سینئر ٹیچرز کو ریٹائر کرنے کے بعد گھر میں نہیں پھینک دیتے, دے یوز دیم ایز اے مینٹور, دے گائیڈ دیم, دے ٹیچ دیم. اور ان کی اسٹڈیز بہت واسٹ ہیں. ہمارے یہاں بکس میں پڑھا, تھیسز بنائے, کبھی کہیں سے پکڑے کہیں سے پکڑے, اور دیٹس اٹ. ان کے اندر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. ایڈنگ ٹو دس, مجھے یاد ہے کہ میں نے جب ایک بار میرا انٹر میں نا ریزلٹ اچھا نہیں آیا تھا, تو سر ایون میرے گھر آ گئے تھے میرے والدین کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ بچہ ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیپرز کے ساتھ کیا بنا, اس نے اچھا پرفارم کیا ہے, یہ ابھی بھی اچھا پرفارم کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ٹیچرز اگر اپنے آپ کو ریسپانسبلٹی لیں کہ اگر ہم ایک چیز کے پیسے لے رہے ہیں تو ہمیں اس کی ڈیوٹی بھی پوری کرنی چاہیے, خالی اسٹوڈنٹ پہ نہیں ڈال دینا چاہیے کہ یار تم نے نہیں پڑھا تو تم ہی نہیں پاس ہوئے, میں کیا کروں. میرا سر سے میسج یہ ہوگا کہ کیونکہ ہم اور یہ جو پچھلی جنریشن آ رہی ہے یہ ایک فیز میں آ چکے ہیں, لیکن جو اب جنریشن آ رہی ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ہاتھ میں یہ گیجٹس اور انفارمیشن بہت ایزی ہے, سر ان بچوں کے لیے بھی پلان کریں. مطلب بالکل چھوٹے بچے جو ابھی اسکول گوئنگ ہیں یا کلاس 2-3 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, ان کا مائنڈ ڈیولپ ہو رہا ہے, ان کو بھی ایک اسکلس, کمیونیکیشن اسکلس ان کے اندر ٹرانسفر کریں, ان کو بولنے کا طریقہ سکھائیں, اور ان کو بک ریڈنگ کی طرف لے کے آئیں کسی طرح. تو اگر وہ سر اسٹیپ لیں, کیونکہ بڑوں کو تو سر موٹیویٹ کر ہی رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں بڑے ان کو سن کے کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتے ہیں یا بکس پڑھ لیتے ہیں, کوئی پلان ایسا کریں گے جس سے بچے بھی ان کی چیزوں سے مستفید ہوں, تو یہ میرا پلان ہوگا سر کا میسج. سر کو اگر میں اپنے سر کو میسج میں کیا ہوں, لیکن سر کو میں یہی کہوں گی کہ جس کیپ آن ڈوئنگ اٹ, اور ہم لوگ وی آر پراؤڈ ٹو بی ہز اسٹوڈنٹ اینڈ وی آلویز بی, لیکن سر کو میں یہ کہوں گی کائنڈلی ٹرین ٹیچرس, کائنڈلی ٹرین ٹیچرس. ٹیچرز نیڈ کمیونیکیشن اسکلس, ٹیچرز نیڈ مینٹورنگ, کیونکہ کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ ایک انفلوئنس رکھتا ہے اسٹوڈنٹ کی لائف میں, تو اگر اچھے ٹیچرز نکل آئیں گے تو اچھے اسٹوڈنٹس آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹو نو دیئر انر ایبلٹیز اینڈ ورک آن دیم اینڈ گروم دیئر اون سیلف, رادر دین کہ وہ کسی یہ کہیں کہ جو ہم نے یہ کرنا تھا, ہمارے پیرنٹس نے یہ کرنا تھا, وہ اپنے آپ کو خود گروم کریں. Try to find their inner self. That is very important. Usko polish karenge, they will be more successful, more interesting unki life. Mere andar aur skills hai, iske andar aur skills hai, hum bade hue bhi discuss. Ye ek fine arts ki field mein jata to ye bahut successful hota. I know. Maine iske andar ye cheez dekhi thi. But main meri direction change ho gaya hai. I am what I am. Maine to medical mein jana tha. Kyunki mere parents chahte the. They want me. Lekin main
linguistic side pe chali gayi and I am very happy. Sir ne mujhe kaafi guide kiya tha is cheez ke upar. Ek main meeting mein thi, PTM chal rahi thi, ek engineering ka student. और बड़ी वो क्लास में आता, हाँ जी मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बड़ा अमीर हो रही हूँ. उसके इतने उसका फादर मेरे पास आ रहा, कहते हैं कैसा है, लेकिन नॉट गुड, कहता मैं अपनी ज़मीनें बेच के इसको पढ़ाऊँ. एंड आई वाज शॉक्ड टू नो दैट कि ये अपने पेरेंट्स को क्या दे रहा है. लेकिन क्योंकि वो ये करना नहीं चाहता था इसलिए वो कंज्यूमर नहीं करता. मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आपको कोई राइट टीचर मिल गया अपने मेंटोर को जरूर ढूंढे. और हमारी टीन एज में यही मसला है कि वो पहले तो वो मस्तियों में रहते हैं ना, उन्हें एजुकेशन का प्रेशर है ना फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है, क्योंकि बाप को या कोई ना कोई कमा रहा होता है. वो एक सेइंग है कि इंसान दो बार पैदा होता है, एक तो वो जिस दिन पैदा होता है और एक वो जब वो रियलाइज कर ले कि वो क्यों पैदा हुआ है, वो किस मकसद के लिए पैदा हुआ है, वो उस दिन भी पैदा होता है. वो जब इंसान फाइंड करने निकलता है, वो जाहिर बात है कि एक जब इंसान अपने अंदर ढूंढेगा तभी वो एक मेंटोर की तलाश में निकलेगा. और सबसे बढ़ के टाइम है. टाइम अगर इंसान अपने टाइम को रियलाइज कर ले कि मेरा टाइम जाया हो रहा है, वो एजुकेशन में स्कूल जाने से जाया हो रहा है, वो यूनिवर्सिटी जाने से हो रहा है, तो अगर वो ये रियलाइज कर ले कि यार अगर मैं इतना टाइम किसी और चीज को दे लूं तो मैं उस अपने उस प्रोफेशन को सक्सेसफुली कर सकता हूँ. सर ने मुझे कहा आई एम गुड इन लिटरेचर, मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो देन आई मूव टूवर्ड्स द लिंग्विस्टिक साइड एंड ही गाइडेड मी राइट. आई हैव 3.6 GPA, ठीक है, और मेरे लिंग्विस्टिक्स में मेरे टीचर्स मुझे कहते थे कि हाँ शी कैन राइट. सर इज लाइक अ फैमिली टू अस. मैं आपको साफ बात बताऊं, सर इज नॉट लाइक के जी हमारे टीचर थे और ये था हमारे सर क्या, हमारे घर आना हमारे पेरेंट्स के साथ, तो इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली. और इसलिए वो सर की एक और इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ के ऊपर, मोर देन बीइंग अ टीचर, ही इज अ गार्डियन, ही इज अ गाइड, ही हैज सो मच इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ्स. और मैंने तो उनसे बहुत सीखा है, क्योंकि वाकई एक मेंटोर होता है और वो सर है हमारी लाइफ में. इंटेलेक्चुअलिटी अगर कहते हैं ना कि स्टूडेंट में डेवलप होती है, तो वो टीचर्स की तरफ से आती है. एंड सर कासिम इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, तो इस तरह सर जो है हमारी लाइफ में, तो उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है शुरू से. और करियर पाथ तो सर ने बेसिकली जब टीनेजर में थे, सर की बातों को इतना सीरियस नहीं लेते थे, आजकल की तरह ज्यादा गौर से सुनते हैं सर की बातों को. तो एक चीज उन्होंने जरूर से यही सिखाई थी कि यार कमाई अपने हाथ से करनी है, नौकरी करके ना करना, तो ये चीज जो है काफी क्लिक रही. नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, यू कैन लर्न इन एवरी फेज, बट लेकिन जो चीज अपने हाथ से कमा के है वो किसी और चीज के अंदर नहीं है. और ये हमने अपने टीचर से सीखा और हम सर को देखते थे, वो मेहनत कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट को लेके बैठे हुए हैं, वो दूसरे को भी अटेंशन दे रहे हैं, वो ऐसे नहीं है कि वो एक बैठा हुआ. यकीन जाने इफ आई हैव अ प्रॉब्लम, सर घंटा घंटा बैठ के मेरी प्रॉब्लम भी सुन लेते थे. मैंने अपने स्टूडेंट को इस फेज में से निकाला ताकि वो पढ़ सके. दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट. और एक एग्जांपल तो उन्होंने खुद सेट भी कर दिया ना सारे स्टूडेंट्स के लिए, यार मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं.